तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? विदाउट है आप लोग विदाउट लूजिंग एनी टाइम, चलिए आज की टॉपिक जो है उसको टॉस करते हैं। आज का टॉपिक है फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम, जो है ICH हार्मोनाइज ट्राइपार्टाइट गाइडलाइन ICH Q10। सबसे पहले इंट्रोड्यूस्ड होते हैं आज का टॉपिक के साथ। ये जो ICH Q10 गाइडलाइन है, ये गाइडलाइन चार गाइडलाइन को एक साथ में कंपाइल करके बनाया गया है। इसमें सबसे पहले है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग ICH क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स बोलते हैं, उसको इंक्लूड किया गया है। उसके साथ साथ में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस रेगुलेशन, जिसको GMP रेगुलेशन बोलते हैं, उसका कुछ कंपोनेंट्स को लिया गया है। उसके साथ साथ में ICH Q8, जिसको हम लोग फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट जानते हैं, उसका कुछ पार्ट को लिया गया है। और ICH Q9, दैट इज क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, जो हम लोग लास्ट टाइम डिस्कशन किया है। ये चारों गाइडलाइन को एक साथ में कंपाइल करते हुए ICH Q10 को बनाया गया है। अभी हम लोग जानेंगे इस गाइडलाइन का स्कोप क्या है। दिस गाइडलाइन अप्लाइज टू द सिस्टम सपोर्टिंग डेवलपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग सब्सटेंसेस, दैट इज API ड्रग प्रोडक्ट, इंक्लूडिंग बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स थ्रू आउट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो मतलब क्या है कि प्रोडक्ट का थ्रू आउट लाइफ साइकिल में ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स ड्रग प्रोडक्ट में बायोटेक्नोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करते हुए सभी प्रोडक्ट्स के लिए ये गाइडलाइन जो है एप्लीकेबल है। ये गाइडलाइन में हम लोग जो प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल देखेंगे, उसमें कुछ ये है टेक्निकल एक्टिविटीज को इंक्लूड किया गया, जैसे कि सबसे पहले फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट। तो मतलब क्या है, सबसे पहले एक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले उसका प्रोडक्ट का डेवलपमेंट किया जाता है। तो उस डेवलपमेंट स्टेज में हम लोग क्या क्या चीज को चेक करेंगे, क्या क्या चीज करना पड़ता है। एक तो है कि ड्रग सब्सटेंस को सबसे पहले हम लोगों को डेवलप करना पड़ता है। उसके बाद उसका फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट किया जाता है। फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में इसका कंटेनर क्लोजर सिस्टम और उसका कंटेनर सिस्टम दोनों को ही साइमल्टेनियसली इंक्लूड करके फॉर्मुलेशन को डेवलप किया जाता है। उसके बाद मैन्युफैक्चर ऑफ इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट, मतलब हम लोगों को जो प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को भी डेवलप किया जाता है। उसका डिलीवरी सिस्टम को भी डेवलप किया जाता है, डिलीवरी सिस्टम एप्लीकेबल होगा तो। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डेवलपमेंट, उसमें क्या आता है, स्केल अप आता है, तो स्केल अप प्रोसेस को भी इनिशिएट किया जाता है। साइमल्टेनियसली एनालिटिकल मेथड डेवलपमेंट भी किया जाता है। अभी आगे हम लोगों को डेवलपमेंट हो गया है, अभी डेवलप्ड जो भी हम लोगों ने अपना खुद से किया है उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा टू द रिसीविंग यूनिट। तो सेंडिंग यूनिट क्या करेगा, उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में न्यू प्रोडक्ट ट्रांसफर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट थ्रू आउट द मैन्युफैक्चरिंग। तो थ्रू आउट द मैन्युफैक्चरिंग वो क्या करेंगे, न्यू प्रोडक्ट का जितना भी डिटेल्स है वो डिटेल्स को जॉट डाउन करते हुए उसको रिसीविंग यूनिट को ट्रांसफर करेंगे। उसमें क्या क्या रहेंगे, ट्रांसफर विद इन और बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इंक्लूडिंग द टेस्टिंग साइट्स। तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स और एनालिटिकल डिटेल्स, उस दोनों का ही मार्केटेड प्रोडक्ट्स का दोनों चीजें हम लोगों को ट्रांसफर करना होता है। उसके बाद क्या करेंगे, अभी ट्रांसफर हो गया है, अभी स्केल अप भी हो चुका है, अभी कॉमर्शियलाइजेशन करेंगे, मतलब कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग करना चालू करेंगे। तो कॉमर्शियल करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, सबसे पहले तो कॉमर्शियल करने के लिए एक्विजिशन एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल, मतलब हम लोग मटेरियल तो चाहिए ना, जिससे हम लोग उसको प्रोडक्ट को बनाएंगे। तो उसके लिए मटेरियल का एक्विजिशन और उसको कंट्रोल करने के लिए अपने पास एडिक्वेट सिस्टम होना पड़ेगा। आगे क्या चाहिए, प्रोविजन ऑफ फैसिलिटी चाहिए, एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होना पड़ेगा, उसके साथ साथ यूटिलिटी चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए एडिक्वेट इक्विपमेंट चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग के पास प्रोडक्शन सिस्टम होना पड़ेगा। प्रोडक्शन सिस्टम इंक्लूड पैकेजिंग एंड लेबलिंग सिस्टम, तो प्रोडक्शन भी होगा, पैकेजिंग भी होगा, उसके साथ साथ में लेबलिंग भी होगा। अभी क्या चाहिए हम लोगों को, एक एडिक्वेट क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम चाहिए एंड क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम चाहिए। उसके बाद प्रोडक्ट रिलीज करना चाहिए, रिलीज करने का सुविधा अपने पास होना पड़ेगा, एडिक्वेट स्टोरेज सिस्टम होना चाहिए, एडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यहाँ पे रिटेलर सिस्टम्स को, होलसेलर सिस्टम्स को हम लोगों को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है। अभी जो है प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोडक्ट डिस्कंटिन्यूशन में क्या होगा, रिटेंशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। प्रोडक्ट भले ही डिस्कंटिन्यू हो जाए मगर उसका डॉक्यूमेंट को रिटेन करना पड़ेगा। सैंपल रिटेंशन, अपने पास जो भी कंट्रोल सैंपल और स्टेबिलिटी सैंपल है उसको रिटेंशन करना पड़ेगा। कंटिन्यूड प्रोडक्ट असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग, मतलब क्या है कि प्रोडक्ट का जो भी असेसमेंट है
वो असेसमेंट और उसका एडिक्वेट रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन जो है उसको कंटिन्यू वे में करना पड़ेगा। अभी देखते हैं रिलेशनशिप ऑफ ICH Q10 टू द रीजनल गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट्स ISO स्टैंडर्ड्स एंड ICH Q7। द रीजनल GMP डू नॉट एक्सप्लिसिटली एड्रेस ऑल द स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एग्जाम्पल डेवलपमेंट। मतलब क्या कि जो रीजनल गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का गाइडलाइंस है उसमें सभी स्टेजेस की प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में थॉरली नहीं बोला जाता है, जैसे कि प्रोडक्ट का डेवलपमेंट स्टेज के बारे में उसमें एडिक्वेटली डिफाइन नहीं किया गया। बट द क्वालिटी सिस्टम एलिमेंट्स एंड मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्क्राइब इन दिस करेंट गाइडलाइन आर इंटेंडेड टू एनकरेज द यूज ऑफ साइंस एंड रिस्क बेस्ड अप्रोचेस एट ईच लाइफ साइकिल स्टेज, दे आर बाई प्रोमोटिंग कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट अक्रॉस द एंटायर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अभी हम लोग देखेंगे कि रिलेशनशिप ऑफ ICH Q10 टू द रेगुलेटरी अप्रोचेस। तो रेगुलेटरी अप्रोचेस फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, मतलब एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए और इसका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के लिए जो भी रेगुलेटरी अप्रोचेस रहेंगे, इट शुड बी कमेंसुरेट विद द लेवल ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग। मतलब जितना भी आप प्रोडक्ट एंड प्रोसेस को ज्यादा अंडरस्टैंड कर पाएंगे उतना ही आपका क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग होगा और उतना ही आप इफेक्टिवली फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम को डेवलप कर पाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि ICH Q10 और रेगुलेटरी अप्रोच दोनों ही एक ही चीज को ऊपर एम्फसाइज करते हैं कि आपका जो फॉर्मुलेशन प्रोसेस है, आपका जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, ये दोनों को आप इतना अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करिए, सारा डेटा को आप एक्युमुलेट करिए जिससे आप फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम्स को इफेक्टिवली डेवलप कर पाएंगे। अभी आगे चलते हैं, देखते हैं कि ICH गाइडलाइन का ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले कि अचीव प्रोडक्ट रिलेशनशिप, उसकी पहले आपको सबसे पहले प्रोडक्ट का रिलेशनशिप अचीव करना पड़ेगा। उसके बाद एस्टेब्लिश एंड मेंटेन अ स्टेट ऑफ कंट्रोल, आपके पास एक एस्टेब्लिशमेंट करना पड़ेगा, एक एस्टेब्लिश तो करना पड़ेगा उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा थ्रू आउट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। स्टेट ऑफ कंट्रोल, आपके पास एडिक्वेट कंट्रोलिंग सिस्टम होना पड़ेगा। उसके बाद फैसिलिटेट कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे इंप्रूवमेंट को फैसिलिटेट करना पड़ेगा, मतलब आपके पास वो फैसिलिटी होना चाहिए जिससे आप प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल थ्रू आउट द लाइफ साइकिल आप कंटिन्यूअली उसको थ्रू आउट द बैकग्राउंड डेटा आप उसको इंप्रूव कर पाए। उसके बाद क्या है, नॉलेज मैनेजमेंट, एडिक्वेट नॉलेज मैनेजमेंट एंड एडिक्वेट क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। तो आपके पास ये जो नॉलेज डेटा जो आपका प्रोडक्ट का आप डेवलप करेंगे थ्रू आउट दिस डेटा आपको एडिक्वेट प्रोडक्ट का रिस्क मैनेजमेंट और डेटा मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अभी देखेंगे डिजाइन एंड कंटेंट कंसीडरेशंस, द डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम शुड बी वेल स्ट्रक्चर्ड एंड क्लियर टू फैसिलिटेट कॉमन अंडरस्टैंडिंग एंड कंसिस्टेंट एप्लीकेशंस। अभी एक फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होना चाहिए, सबसे पहले तो उसका जो प्रोसेस है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है, प्रोसेस परफॉर्मेंस एंड प्रोसेस क्वालिटी मॉनिटरिंग। तो भी आपके पास जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट का क्वालिटी आप एडिक्वेटली मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, आपके पास जो प्रोसेस है प्रोसेस का परफॉर्मेंस आपको एडिक्वेट बेसिस पे चेक करना चाहिए, आपके पास एडिक्वेट करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन सिस्टम होना चाहिए जिसको बोलते हैं कापा सिस्टम, आपके पास एडिक्वेट चेंज मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए एंड आपको पीरियोडिकली थॉरली आपका जो डेटा है उसको मैनेजमेंट को रिव्यू करना चाहिए। अभी देखेंगे क्वालिटी मैनुअल, अ क्वालिटी मैनुअल और इक्विवेलेंट डॉक्यूमेंटेशन अप्रोच शुड बी एस्टैब्लिश्ड एंड शुड कंटेन द डिस्क्रिप्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम। उसमें क्या रहेगा, उसमें रहेंगे क्वालिटी पॉलिसी, स्कोप ऑफ द फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद इन द फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम। तो फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम में मैनेजमेंट का भी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको भी डिफाइन किया गया है। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है, मैनेजमेंट कमिटमेंट, जो भी अपना सीनियर मैनेजमेंट होगा ये शुड अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल टू एंश्योर एन इफेक्टिव फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम। तो मतलब सीनियर मैनेजमेंट क्या होगा, अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल होगा
इफेक्टिव क्वालिटी फार्मास्यूटिकल सिस्टम को डेवलप करने के लिए, उसको स्टेब्लिश करने के लिए, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, एंड टू फिक्स द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑथोरिटीज आर डिफाइंड कम्युनिकेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड थ्रू आउट द कंपनी. मतलब क्या है, आप सीनियर मैनेजमेंट क्या करेगा, क्वालिटी ऑब्जेक्ट को डिसाइड करेगा, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करेगा, ऑथोरिटीज को डिफाइन करेगा, और कंटिन्यू बेसिस पे इंप्रूवमेंट के लिए थ्रू आउट द कंपनी वो वर्कआउट करेंगे. पार्टिसिपेट इन डिजाइन इंप्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इफेक्टिव फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम. तो वो क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे, इंप्लीमेंटेशन करेंगे, मॉनिटरिंग भी करेंगे और मेंटेन भी करेंगे, चारों चीज ही करेंगे. अभी क्या देखेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड विजिबल सपोर्ट टू द फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम. वो क्या करेंगे, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, स्ट्रॉन्ग विजिबल सपोर्ट देंगे फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम को. विजिबल सपोर्ट सीनियर मैनेजमेंट से ही मिलेंगे. एनश्योर अ टाइमली एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड एस्केलेशन ऑफ प्रोसेस एग्जिस्ट टू रेज क्वालिटी इश्यूज. अगर कुछ क्वालिटी इश्यूज सामने आता है तो उसको एक्सकेलेट करेंगे द मैनेजमेंट. डिफाइन इंडिविजुअल कलेक्टिव रोल्स. वो इंडिविजुअल सबका कलेक्टिव रोल को डिफाइन करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिसाइड करेगा. ऑथोरिटीज एंड इंटर रिलेशनशिप्स ऑफ ऑल द ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स रिलेटेड टू द फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम. फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम के साथ जुड़े हुए जितना भी लोग हैं उसका ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स को डिफाइन करेंगे. कॉन्डक्ट मैनेजमेंट रिव्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा फोकसेबल है, जो कि प्रोसेस परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी. तो प्रोसेस परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी को पीरियडिकली रिव्यू करेंगे, जिसका रोल है सीनियर मैनेजमेंट का. इससे क्या होगा, इससे इफेक्टिव फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम जो है वो डेवलप्ड होगा. एडवोकेट कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट. वो एडवोकेट करेंगे किसके ऊपर, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट के लिए. कमिट एप्रोप्रिएट रिसोर्सेस. वो एप्रोप्रिएट रिसोर्सेस प्रोवाइड करने के लिए कमिटेड है. तो अभी कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोसेस परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी. तो प्रोसेस परफॉर्मेंस और प्रोडक्ट क्वालिटी को कंटिन्यूअल वे में डेवलप करने के लिए प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल स्टेज है, वो लाइफ साइकिल स्टेज में हम लोगों को कुछ गोल्स जो है वो सेट करना पड़ेगा. तो लाइफ साइकिल स्टेजेस क्या है, लाइफ साइकिल स्टेजेस में सबसे पहले आता है कि फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट. मतलब हम लोगों ने जो पहले डिस्कशन किया, सबसे पहले हम लोगों को प्रोडक्ट को डेवलप करना पड़ेगा, फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट स्टेज. डेवलप्ड हो जाने के बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है उसको जहां पे हम लोग कमर्शियलाइज करेंगे, कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, वहां पे पहले ट्रांसफर करना होगा, इंक्लूडिंग प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट एंड एनालिटिकल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, जिसके लिए हम लोग टीटी करेंगे. उसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग करेंगे. प्रोडक्ट ट्रांसफर हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो स्केल अप हम लोगों ने किया उसके अकॉर्डिंग हम लोग कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग करेंगे. और कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम लोगों को कुछ भी ऐसे स्टेजेस आएंगे जहां पे हम लोगों को प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा, तो हम लोगों को फोर्थ लास्ट बट नॉट द लिस्ट प्रोडक्ट डिसकंटिन्यूशन स्टेज में भी जाना पड़ेगा. अभी फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम का एलिमेंट्स क्या है, जिससे हम लोग ये जो चार फेजेस है, ये चार फेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल को कंट्रोल कर पाएंगे, मॉनिटर कर पाएंगे. सबसे पहले आएंगे कि प्रोसेस परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम. तो अपने पास एक प्रोसेस को चेक करने के लिए, एक प्रोसेस को रिव्यू करने के लिए, प्रोसेस का परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए, और प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है उसको निर्धारण करने के लिए एक सिस्टम होना चाहिए, जिसको हम लोग प्रोसेस परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम बोलते हैं. उसके बाद आएगा क्या, उसके बाद अपने पास एक एडिक्वेट करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन, जिसको हम लोग कापा बोलते हैं, वो कापा सिस्टम भी अपने पास होना चाहिए. तीसरा है चेंज मैनेजमेंट सिस्टम, जो जिसको हम लोग चेंज कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं. तो लास्ट बट नॉट द लिस्ट मैनेजमेंट रिव्यू, जो हम लोगों ने बोला कि सीनियर मैनेजमेंट का रिव्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैनेजमेंट रिव्यू ऑफ द प्रोसेस परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी. तो ये चार जो है अपना एलिमेंट्स है, टूल्स है, ये चार एलिमेंट्स को हम लोग यूज करके फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम को
मॉनिटर और मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे प्रोसेस परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम। इसका एक बहुत अच्छा टेबुलेट फॉर्म में दिया हुआ है इस गाइडलाइन पे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे हर एक एलिमेंट्स का, तो हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखेंगे एप्लीकेशन, दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पार्ट, एप्लीकेशन ऑफ प्रोसेस परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम थ्रू आउट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम लोगों को मालूम है कि प्रोडक्ट का डेवलपमेंट फेज है, तो डेवलपमेंट फेज में प्रोसेस एंड प्रोडक्ट नॉलेज जेनरेटेड एंड प्रोसेस एंड प्रोडक्ट मॉनिटरिंग कंडक्टेड थ्रू आउट द डेवलपमेंट कैन बी यूज्ड टू एस्टैब्लिश अ कंट्रोल स्ट्रेटजी फॉर मैन्युफैक्चरिंग। तो सिंपली इसका मतलब क्या होता है कि प्रोसेस और प्रोडक्ट, तो आप लोग फिर से दोहराते हैं, प्रोसेस और प्रोडक्ट, ठीक है, ये दोनों का ही नॉलेज जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नॉलेज जो जेनरेट होगा ड्यूरिंग द प्रोडक्ट डेवलपमेंट और फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट बोलने से बेटर होगा फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट, क्योंकि हम लोग खाली प्रोडक्ट को डेवलप नहीं कर रहे, हम लोग प्रोडक्ट के साथ साथ प्रोसेस को भी डेवलप कर रहे हैं। दैट मींस प्रोसेस एंड प्रोडक्ट बोथ, ये दोनों चीज का जो नॉलेज जेनरेट होगा ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फेज, ये नॉलेज को हम लोग एडिक्वेटली मॉनिटरिंग करेंगे और जो नॉलेज है वो थ्रू आउट दिस नॉलेज कंडक्ट करेंगे टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्रोल स्ट्रेटजी फॉर मैन्युफैक्चरिंग। मतलब हम लोग इसको लेके ही आगे मैन्युफैक्चरिंग फेज में जाएंगे, जो नॉलेज डेवलप्ड होगा इस नॉलेज को हम लोग आगे पार्कुलेट करेंगे और ये नॉलेज हम लोगों को प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट में हम लोगों को काम में आने वाला है। दिस इज मोस्ट वेरी मच वाइटल थॉट्स। अभी देखेंगे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर स्टेज में हम लोगों को प्रोसेस परफॉर्मेंस और प्रोडक्ट क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम्स कैसे काम में आएंगे। मॉनिटरिंग ड्यूरिंग द स्केल अप एक्टिविटी कैन प्रोवाइड प्रिलिमिनरी इंडिकेशंस ऑफ द प्रोसेस परफॉर्मेंस एंड सक्सेसफुल इंटीग्रेशन इनटू द मैन्युफैक्चरिंग। मतलब क्या है, जो स्केल अप हम लोगों ने एक्टिविटी किया उस एक्टिविटी के दौरान हम लोगों को जो प्रिलिमिनरी इंडिकेशंस ऑफ द प्रोसेस परफॉर्मेंस मिला, मतलब हम लोगों को जो प्रोसेस कैसे परफॉर्म कर रहे वो प्रोसेस के बारे में हम लोगों को जो भी इंडिकेशंस मिला अभी तक, वो हम लोगों को सक्सेसफुल इंटीग्रेशन करने के लिए इनटू द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, मतलब उसको और फर्दर स्केल अप करके कमर्शियलाइजेशन करने में हम लोगों को क्या करेगा, वो हेल्पफुल होगा। नॉलेज ऑब्टेन ड्यूरिंग द ट्रांसफर एंड स्केल अप एक्टिविटी, नॉलेज ऑब्टेन ड्यूरिंग द ट्रांसफर एंड स्केल अप एक्टिविटी, मतलब आप जो प्रोडक्ट ट्रांसफर कर रहे हो और जो अपने स्केल अप एक्टिविटी को एग्जीक्यूट किया, दैट कैन बी हेल्पफुल इन फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रोल स्ट्रेटेजी। आपको कंट्रोल स्ट्रेटेजी को डिफाइन करने के लिए ये नॉलेज आपको हेल्प करने वाला है। अभी हम लोग देखेंगे कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग स्टेजेस में अ वेल डिफाइंड सिस्टम ऑफ द प्रोसेस परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम्स शुड अप्लाइड टू एश्योर परफॉर्मेंस विद इन अ स्टेट ऑफ कंट्रोल एंड टू आइडेंटिफाई इंप्रूवमेंट एरियाज। तो मतलब क्या है, अभी आपका सिस्टम जो है डेवलप्ड हो चुका है, अभी इस डिफाइंड वेल डिफाइंड सिस्टम में आप एक प्रोसेस परफॉर्मेंस और प्रोडक्ट क्वालिटी को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आपका प्रोसेस को परफॉर्मेंस को भी आप चेक कर रहे हो और आपका जो प्रोडक्ट क्वालिटी है उसको भी आप थॉरली मॉनिटरिंग कर पा रहे हो। ये जो डेटा है, ये जो डेटा आपके पास जेनरेट होगा, इस डेटा आपको इंप्रूवमेंट के लिए काम आएंगे, आपको थ्रू आउट द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट स्टेज में ये डेटा आपको काम में आने वाला है। इससे आप क्या कर पाएंगे, एडिक्वेट कंट्रोल सिस्टम को डेवलप कर पाएंगे, ठीक है। अभी आगे देखेंगे प्रोडक्ट डिसकंटिन्यूएशन। प्रोडक्ट डिसकंटिन्यूएशन में वंस द मैन्युफैक्चरिंग सीजेस, एक बार आपका मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाए उसके बाद भी मॉनिटरिंग ऑफ स्टेबिलिटी टेस्टिंग शुड कंटिन्यू टू कंपाइलेशन ऑफ द स्टडीज। मतलब आपका जो स्टेबिलिटी प्रोटोकॉल बनाया हुआ था, स्टेबिलिटी प्रोटोकॉल के हिसाब से आपको स्टेबिलिटी स्टडी को कंटिन्यू रखना है टू कंपाइल द स्टेबिलिटी स्टडी रिक्वायरमेंट्स एंड एप्रोप्रिएट एक्शंस ऑन द मार्केटेड प्रोडक्ट शुड बी कंटिन्यू। जो आपने प्रोडक्ट मार्केटिंग किया हुआ है वो मार्केटिंग प्रोडक्ट के ऊपर आपको एक्शंस कंटिन्यू रखना है, उससे आप क्या करेंगे, कंटिन्यू टू बी एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू द रीजनल रेगुलेशन। आपका जो रीजनल रेगुलेशन है
उस रीजनल रेगुलेशंस में जो भी गाइडलाइंस दिया हुआ है उस गाइडलाइन के हिसाब से आपको मार्केटेड प्रोडक्ट का स्ट्रेटेजी को भी कंटिन्यू रखना है। अभी हम लोग जानेंगे एप्लीकेशन ऑफ करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन सिस्टम थ्रू आउट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। मतलब आपका जो ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में हम लोगों ने बोला चार फेजेस है, तो चार फेजेस में कापा सिस्टम कैसे इंप्लाइड होता है उसको देखेंगे। सबसे पहले कि प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वेरिएबिलिटी इज एक्सप्लोर्ड। सबसे पहले हम लोग डेवलपमेंट फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट स्टेज में आ गए हैं। डेवलपमेंट स्टेज में प्रोडक्ट एंड प्रोसेस का जो वेरिएबिलिटी है उसको एडिक्वेटली हम लोग को एक्सप्लोर करना है, वेरिएबिलिटी को एक्सप्लोर करना है, तभी तो हम लोग जान पाएंगे प्रोडक्ट का नेचर के बारे में। हम लोग जो डिजाइन करने वाले हैं उस डिजाइन फेज को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। दैट मीन्स कापा मेथोडोलॉजी यूजफुल फॉर करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द इंटरएक्टिव डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। जो भी आपका इंटरएक्टिव डिजाइन आप कर रहे हो और आप जो डेवलपमेंट फेज को एग्जीक्यूट कर रहे हो उसका वेरिएबिलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको एडिक्वेट कापा मेथोडोलॉजी इंप्लाई करना पड़ेगा। अभी देखेंगे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर स्टेज में कापा कैन बी यूज्ड एज एन इफेक्टिव सिस्टम फॉर फीडबैक, फीड फॉरवर्ड एंड कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। मतलब आपको जो पहले का फीडबैक है, मतलब डेवलपमेंट स्टेज का आपका जो फीडबैक है, फीड फॉरवर्ड अब आगे जाएंगे, किसमें जाएंगे, आप कंटिन्यूअल मैन्युफैक्चरिंग पे जाएंगे, फीड फॉरवर्ड एंड कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। आपको इंप्रूवमेंट भी करना है आपका प्रोडक्ट में, आपका जो R&D सिस्टम है, आपका जो फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट सिस्टम है, उसको रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट को सपोर्ट करना। तो आपको ये तीनों चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको इफेक्टिव कापा इंप्लीमेंटेशन सिस्टम्स इंप्लाई होना पड़ेगा। अभी देखेंगे कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में आपको कापा कैसे काम में आता है। कापा शुड बी यूज्ड एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द एक्शन शुड बी इवेल्युएटेड। तो मतलब क्या है कि कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग में कापा एडिक्वेटली इंप्लीमेंट होना चाहिए, उसका इफेक्टिवनेस को भी एडिक्वेटली थोरोली टाइमली अनबायस्डली इवेल्युएट करना चाहिए सिस्टमेटिक वे में। अभी देखेंगे प्रोडक्ट डिसकंटिन्यूएशन में कापा कैसे हेल्प करेगा। कापा शुड बी कंटिन्यू आफ्टर प्रोडक्ट इज डिसकंटिन्यूड। मतलब आपका भले ही प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू हो जाए, आपका मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सीज हो जाए, फिर भी आप कापा को बंद नहीं कर सकते। करेक्टिव एक्शन प्रिवेंटिव एक्शन आपने जो इंप्लीमेंट किया है उसको आपको कंटिन्यूअल वे में आपको उसको मॉनिटरिंग करना है। द इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्ट रिमेनिंग ऑन द मार्केट शुड बी कंसिडर्ड एज वेल एज अदर प्रोडक्ट्स व्हिच माइट बी इम्पैक्टेड। मतलब क्या है, जो आपने मार्केटेड किया है, कॉमर्शियलाइज किया है उस प्रोडक्ट को भी आपको एडिक्वेट बेसिस पे इम्पैक्ट असेसमेंट करना है। और आपका ये जो आपने डिसकंटिन्यू किया है, डिसकंटिन्यूएशन की इम्पैक्ट अगर अदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट में है जो करंटली रनिंग कंडीशन में है, जिसका मैन्युफैक्चरिंग अभी भी चालू है, ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर भी आपको एडिक्वेटली इम्पैक्ट असेसमेंट करना पड़ेगा कि उसके ऊपर कोई एडवर्स इम्पैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी हम लोग जानेंगे एप्लीकेशन ऑफ चेंज मैनेजमेंट सिस्टम थ्रू आउट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो मतलब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में जैसे प्रोडक्ट फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्ट डिसकंटिन्यूएशन, ये चारों फेजेस में चेंज मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम लोग सब लोग चेंज कंट्रोल सिस्टम की द्वारा भी जानते हैं, तो इसका क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसका क्या रोल है, क्या फंक्शन है उसको जानते हैं। सबसे पहले फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट में चेंज इज एन इनहेरिएंट पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस। मतलब डेवलपमेंट प्रोसेस में चेंजेस एक इनबिल्ट प्रॉपर्टी है, चेंजेस एक इनहेरिएंट नेचर है जो रहेंगे ही। तो हम लोग एक प्रोडक्ट का डेवलपमेंट फेज में है, इनिशिएशन फेज में है, प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चेंजेस, उसमें चेंजेस आना लाजमी है, तो वो चेंजेस को कैप्चर करना जरूरी है थ्रू द चेंज कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम। तो फिर द फॉर्मेलिटी ऑफ चेंजेस मैनेजमेंट प्रोसेस शुड कंसिस्टेंट विद द स्टेज ऑफ फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट। तो मतलब फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट का जो स्टेजेस है, ठीक है, उस स्टेजेस में जितने भी चेंजेस आएंगे वो सारा चेंजेस को एडिक्वेटली डॉक्यूमेंट करना है और उसका फॉर्मेलिटीज
को फुलफिल करते हुए वो डॉक्यूमेंटेड डॉक्यूमेंट्स जो बनेंगे वो डॉक्यूमेंट हम लोगों को फ्यूचर्स में प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी देखेंगे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में चेंज मैनेजमेंट सिस्टम कैसे काम आता है। द चेंज मैनेजमेंट सिस्टम शुड प्रोवाइड मैनेजमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एडजस्टमेंट्स मेड टू द प्रोसेस ड्यूरिंग द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक्टिविटी। मतलब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक्टिविटी के दौरान जो भी एडजस्टमेंट्स या चेंजेस किए जाएंगे वो सबको एडिक्वेट डॉक्यूमेंटेशन की द्वारा उसको प्रॉपर चेंज कंट्रोल सिस्टम में कैप्चर करना है और आगे कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग की ओर उसको प्रोसीड करना है। कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग में अ फॉर्मल चेंज मैनेजमेंट सिस्टम शुड बी इन प्लेस फॉर कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग। तो कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए एक एडिक्वेट चेंज कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम आपका पास होना जरूरी है। ओवरसाइट बाय द क्वालिटी यूनिट शुड प्रोवाइड असिस्टेंस एंड एप्रोप्रिएट साइंस एंड रिस्क बेस्ड असेसमेंट्स। तो मतलब ओवरसाइट अगर कुछ होता है देन क्वालिटी यूनिट्स आपको प्रॉपरली क्वालिटी यूनिट्स में जो चेंज कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम होगा आपको वो क्या करेगा प्रॉपरली रिस्क बेस्ड असेसमेंट करने के लिए और एप्रोप्रिएट साइंस को एस्टेब्लिश करने के लिए आपको हेल्प करेगा। प्रोडक्ट डिसकंटिन्यूशन में एनी चेंज आफ्टर प्रोडक्ट डिसकंटिन्यूशन शुड गो थ्रू एन एप्रोप्रिएट चेंज मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आप प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर रहे हो तब भी आपको एडिक्वेट चेंज मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लाई करते हुए भी आपको प्रोडक्ट डिसकंटिन्यूशन प्रोसेस को इनिशिएट करना है। अभी हम लोग जानेंगे एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट रिव्यू ऑफ प्रोसेस परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी थ्रू आउट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अभी हम लोग थ्रू आउट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में मैनेजमेंट का जो रिव्यू है मैनेजमेंट जो रिव्यू कर रहे हैं ऊपर से सिस्टम को पूरा देख रहे हैं उसमें मैनेजमेंट क्या रिव्यू कर रहे हैं प्रोसेस परफॉर्मेंस को रिव्यू कर रहे हैं और प्रोडक्ट क्वालिटी को भी रिव्यू कर रहे हैं। तो प्रोसेस परफॉर्मेंस और प्रोडक्ट क्वालिटी ये दोनों को मैनेजमेंट जो रिव्यू कर रहे हैं उसके एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट स्टेजेस में एस्पेक्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट रिव्यू कैन बी परफॉर्म्ड टू एंश्योर द एडिक्वेसी ऑफ द प्रोडक्ट एंड प्रोसेस डिजाइन। तो मतलब प्रोडक्ट और प्रोसेस को डिजाइन करने के लिए और उसका एडिक्वेसी को बरकरार रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है मैनेजमेंट का रिव्यू। मैनेजमेंट उसको कैसे रिव्यू कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखेंगे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट रिव्यू शुड बी परफॉर्म्ड टू एंश्योर डेवलप्ड प्रोडक्ट एंड से प्रोसेस कैन बी मैन्युफैक्चर्ड एट कमर्शियल स्केल। मतलब ये मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि आप जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हो स्केल अप कर रहे हो वो कमर्शियल फेज में कमर्शियल स्केल में जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा वो एस्पेक्ट्स निर्धारण करेंगे मैनेजमेंट का रिव्यू। अभी देखेंगे कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग में मैनेजमेंट का रिव्यू कैसे काम आएंगे। मैनेजमेंट रिव्यू शुड बी स्ट्रक्चर्ड सिस्टम। मतलब इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इट इज स्ट्रक्चर आपके पास एडिक्वेट स्ट्रक्चर होना पड़ेगा एज डिस्क्राइब्ड इन प्रीवियसली एंड शुड सपोर्ट द कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। उससे क्या होगा आपका प्रोडक्ट प्रोसेस का आपका क्वालिटी का कंटिन्यूअल बेसिस पे इंप्रूवमेंट होगा। मैनेजमेंट रिव्यू शुड इंक्लूड सच आइटम्स एज प्रोडक्ट स्टेबिलिटी एंड प्रोडक्ट क्वालिटी कंप्लेंट्स। तो मैनेजमेंट क्या रिव्यू करेगा प्रोडक्ट भले ही डिसकंटिन्यू हो जाए आपका स्टेबिलिटी डेटा को रिव्यू करेगा और आपका मार्केट कंप्लेंट प्रोडक्ट कंप्लेंट प्रोडक्ट का कुछ अगर इनहेरियंट कुछ ऐसा कंप्लेंट है क्वालिटी को इश्यूज है वो सब चीजें मैनेजमेंट रिव्यू करेगा। अभी देखेंगे कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट ऑफ द फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम। फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम को कंटिन्यूअल बेसिस पे इंप्रूव करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए। सबसे पहले हम लोगों ने अभी बोल चुके हैं कि मैनेजमेंट का रिव्यू चाहिए एडिक्वेट बेसिस पे मैनेजमेंट रिव्यू ऑफ द फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम। उसमें क्या आता है मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट इंपैक्टिंग द फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम। तो दोनों चीज को ही इवेल्युएट करना है मैनेजमेंट को मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स व्हिच कैन इंपैक्ट फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम। और क्या करना है आउटकम ऑफ मैनेजमेंट रिव्यू एंड मॉनिटरिंग। मैनेजमेंट ने जो रिव्यू किया उसका और जो मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं मैनेजमेंट उसका आउटकम को एडिक्वेटली इवेल्युएट करना है।
ठीक है, ये दोनों चीज के ऊपर डिपेंड करता है क्वालिटी कैसे आपका कौन सा पैरामीटर में निर्धारित होगा। ठीक है, तो ये रहा अपना टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो अभी आप लोग जरूर लाइक करिए, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपके पास दिख रहा है, प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आप इमीडिएटली जितना भी न्यू वीडियो अपलोडेड होते रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा, आप हर एक अपलोडेड वीडियो आपके पास विदाउट एनी हैजर्स आपके पास पहुंचता रहेगा। और गाइडलाइंस जो है खाली आपका नॉलेज को एनहेंस करने के लिए नहीं है, ये सभी को नॉलेज को एनहेंस करने के लिए है। तो भले ही अगर आपको ये लिंक आप अगर YouTube में ये देख पा रहे हो तो आप लोग दूसरे भी फ्रेंड्स को आपका सर्कल्स में जितने भी लोग अवेलेबल है उनको भी ये शेयर करें। तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियोज टू योर फ्रेंड्स एंड योर अदर नोन कॉलीग्स सो दैट दे विल ऑल्सो अवेयर अबाउट दिस गाइडलाइन। उनका भी नॉलेज स्किल एनहेंस करने के लिए आप थोड़ा उनको भी मौका दे पाएंगे। चलिए वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, थैंक यू वेरी मच।